भारतीय जनता पार्टी तीन राज्यों में निश्चित तौर से सरकार बना रही है। एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट जो है उसके बीच का अंतर, जो हम लोगों को फीडबैक है पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, वह फीडबैक यही है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का, अपने जब से तेलंगाना बना है या जब से मिजोरम में हमने चुनाव लड़ना शुरू किया, तब से अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। बीजेपी ये मैजिक क्यों कर पाई सर? अब आपको 3 तारीख को बताएंगे क्यों कर पाए हैं, अभी तो इतना ही कह सकते हैं, 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। आज सदन में सर अखिलेश यादव तैयारी करके आ रहे हैं सरकार को घेरने के लिए, राजस्थान और इन सब जगह पे सरकार बना रही है। मैंने कहा ना, न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। आज 1 तारीख हो गई है, कल के बाद परसों कौन कहाँ है, कितने पानी में है पता चल जाएगा। आप देखिएगा तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ कमल का फूल खिलेगा। सुशासन, रामराज्य, विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, नौजवानों के उज्जवल भविष्य, कल जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस देश में 4 जातियां, 1 जाति गरीब की है, 1 जाति युवा की है, 1 जाति महिलाओं की है, 1 जाति किसानों की है। तो अब 4 जातियों को लेकर के काम करेंगे। धन्यवाद। आज सदन है सर, आज सदन में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आमने सामने होंगे, बहस होगी। तो ये आमने सामने तो हरदम होते हैं, पक्ष और विपक्ष, एक तरफ सत्ता पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष होता है। और घेराबंदी की तैयारी है सर पूरी? जितनी घेराबंदी की उनके पास तैयारी हो, तैयारी करके आवे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुद्दा विहीन है विपक्ष, सत्ता विहीन है विपक्ष, और अपने इन आचरणों से अभी बहुत लंबे समय तक सत्ता से बेदखल रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।